भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की पहचान भले ही एक कट्टरवादी नेता की रही हो, लेकिन इन दिनों वे अपनी इसी पहचान को बदलने में पूरे जी जान से जुटे हैं। इसके लिए वो मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं के सभी तीज त्योहारों को जोर शोर के साथ मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत में भी उन्होंने एक नई पहल की। विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भगवाधारियों को भी गर्म कपड़े भेंट किए। हालांकि कार्यक्रम सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का था, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान लगे बैनरों और थैलों पर छपी तस्वीर ने सबको चौंका दिया। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इस कार्यक्रम में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह यानी सिंबल दिखाई नहीं दिया। तो क्या आरिफ मसूद अपनी पहचान पार्टी लाइन से अलग हटकर बना रहे हैं, या फिर इस सामाजिक कार्य को उन्होंने सियासी नफे नुकसान से दूर रखा है? और ये एक नई शुरुआत हुई है। मैं उन तमाम सियासतदानों से जो रात दिन सियासत में मशगूल हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोहब्बत बांटो, नफरत खत्म करो। नफरत बांटना आसान है, मोहब्बत कठिन है आज के दौर में, लेकिन ऐसा काम करो ताकि सब मिलके हो। आपके सामने सीन दिख रहा है मेरे, एक तरफ हाथ में जहाँ दाढ़ी टोपी वाले इमाम हजरत हमारे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिलक वाले आपको पंडित दिख रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये देश मोहब्बतों का देश है, मोहब्बतों के चलने वाला देश है। आप सबको नए साल मुबारक। इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन हम तो आम लोगों को गर्म कपड़े बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के हर कदम की तहे दिल से स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।